इस बीच आपको बता दें 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके समेत कई दल मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे। केसीआर और नवीन पटनायक ने इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक, ये बड़ी बैठक है। अब 23 जून को ये बड़ी बैठक होगी, अहम बैठक है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बुधवार को बताया था कि जो बैठक पहले 12 जून को होनी थी वो अब 23 जून को होगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सबकी सहमति इस बैठक में आपको बता दें तय हो चुकी है। तारीख में सबकी सहमति बन चुकी है। बैठक में लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे, जिसमें सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। चलिए अब ये भी जान लीजिए इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं ममता बनर्जी ने ही इस बात का सुझाव दिया था कि एक बड़ी बैठक बिहार में बुलाई जानी चाहिए। इसके अलावा शरद पवार, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी, आपको बता दें शरद पवार भी हिस्सा लेने वाले हैं इस बैठक में, केजरीवाल भी इसमें शिरकत करेंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। देखिए ये बैठक में तमाम चेहरे हैं जो शिरकत करने जा रहे हैं, यानी कि कवायद ये है कि विपक्ष को एकजुट करना है और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। और इसी कवायद को तेज करने के लिए आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में दौरे किए हुए हैं। देखिए अब इनने, चाहे हम बात को दें कि केसीआर हो गए, नवीन पटनायक, हालांकि नवीन पटनायक को मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए भुवनेश्वर भी यहां पर नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन लगता है बात नहीं बनी है, क्योंकि नवीन पटनायक का पहले से ही रास्ता बहुत साफ है, बहुत क्लियर होते हैं नवीन पटनायक, बहुत न्यूट्रल रहते हैं। और ये बानगी उनकी इस बैठक में भी नजर आ रही है, जिसमें के चंद्रशेखर और नवीन पटनायक शामिल नहीं होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहलवानों ने अपने प्रदर्शन को टाल दिया है। आपको बता दें कि अब सरकार की ओर से ये पहल हुई है और पहलवानों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू हुई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आमंत्रण पर पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक उनके निवास पर गए, जहां दोनों पक्षों में करीब 6 घंटे लंबी बैठक हुई। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया खिलाड़ियों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और 15 जून तक जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल कर दी भी जाएगी। वहीं उनसे पहले बजरंग पूनिया ने सिर्फ इतना बताया था कि वे आपस में किसान नेताओं और खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आगे का कार्यक्रम बताएंगे, लेकिन ये साफ है कि उनके सामने सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें रखी गई हैं जिन पर उन्हें और साथियों के साथ बातचीत करनी है। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, जरा जानिए। आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे, जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो, ब्रिजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। के
या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचिज के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है करेंगे। आंदोलन कर रहे पहलवानों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच खिलाड़ियों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच एक बैठक हुई जहां पहलवानों ने अपनी 5 मांगे केंद्र सरकार के सामने रख दी जिसे ग्राफिक के जरिए समझा जा सकता है। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे पहलवानों की 5 प्रमुख मांगे आखिरकार क्या है। पहली मांग, WFIA के चुनाव में जल्द हो 30 जून से पहले करा दिए जाए। दूसरी मांग जो कि बेहद खास, भूषण सिंह और उसके परिवार में कोई भी कुश्ती महासंघ का हिस्सा आगे से नहीं होगा। एक महिला को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख का पद जरूर संभालना चाहिए, ये तीसरी मांगों से प्रमुख है। और चौथी मांग, जब तक महासंघ के चुनाव नहीं होते IOA के तदर्थ समिति में 2 कोच शामिल किए जाएं। पांचवी अहम मांग है, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द किया जाए। यानी कि 5 मांगे जो कि पहले 3 मांगे थी जब मीटिंग हुई उसके बाद ये 5 मांगे हैं। हालांकि राहत की बात सरकार के ये भी है कि जिस कवायद में सरकार जुट रही थी कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन का खात्मा हो, इसका अंत किया जाए और अब जाँच आगे बढ़ाई जाएगी। इसी के बीच बड़ी खबर दिल्ली से होगी जहाँ IAS उदित प्रकाश राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर IAS उदित प्रकाश राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई, दिल्ली सरकार के विशेष सचिव की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। तो दिल्ली से बेहद अहम खबर है जहां IAS के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, FIR दर्ज की गई। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर ये भी कि RBI ने ब्याज दरों में कोई नया बदलाव नहीं किया है। RBI ने रेपो रेट 6.50% बरकरार रखा है। चालू खाते का घाटा कम हुआ है। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती कायम है यह RBI ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चालू खाते का घाटा कम हुआ, RBI ने बड़ी बात कही। उसी की आपको बता दें कि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आज की जो बैठक थी मुद्रा स्फीति को लेकर और इस बैठक के जरिए कई बदलाव की बात भी कही जा रही थी, लेकिन राहत की बात यह है कि RBI ने ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट की बात करी जाए तो 6.50% जो रेपो रेट चल रहा था उसी रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। इधर यूपी के बस्ती से बड़ी खबर है जहां नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। इस बीच एक आरोपी जिसका नाम कुंदन बताया जा रहा है, कुंदन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो आरोपी कुंदन है वही मुख्य आरोपी है। पूरा मामला गौर थाना क्षेत्र का है जहां पर यह घटना घटी, एक नाबालिग के साथ गैंगरेप, उसके बाद उसकी हत्या। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस के हत्या है। कुंदन सिंह जो कि मुख्य आरोपी है उसे लगातार पूछताछ चल रही है। थाना क्षेत्र गौर में एक युवती का शव मिला था, उसमें FIR थाना गौर में पंजीकृत हुई थी। उसमें पहला अभियुक्त 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी के 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गए हैं। 36 घंटों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यूपी से बड़ी खबर है जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप के बाद हालांकि जो आरोपी हैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा आरोपी है जिसका मुख्य आरोपी से बताया जा रहा है, इसका नाम कुंदन है। फिलहाल उस कुंदन को भी हिरासत में लिया गया है। उसी के साथ साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से लड़की को जो कि नाबालिग थी इसकी गैंगरेप के बाद हत्या की गई। अगली खबर बिहार के रोहतास से है जहां पर पुल के पिलर में फंसा है 12 साल का बच्चा। 2 दिनों से घर से लापता था बच्चा। बच्चे को बचाने में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है।
तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर है जहां पुल के पिलर के बीच में 12 साल का बच्चा फंसा हुआ है। 2 दिन से घर से लापता था ये बच्चा, जो कि अब पुल के पिलर के भीतर पाया गया है। हालांकि इसको निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। 2 दिन से घर से लापता था, क्या वजह थी उस वजह को तलाशने में हालांकि पुलिस जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस वक्त ये कि इस बच्चे को आखिरकार बचाया कैसे जाए। 25 कंडीशन में बच्चा फंसा हुआ है, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन दिख रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बेहतर ढंग से उसे निकाल लिया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है जिससे कि हमारा जो स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन फिर भी हमारे रेस्क्यूअर बेहतर ढंग से लगे हुए हैं और होल बना लिया है। और जब होल बन गया है तो अप्रोच हमारा बन जाएगा, और जैसे ही अप्रोच बनता है हम बच्चे को सही सलामत निकाल लेंगे। हालांकि प्रशासन पूरे जद्दोजहद के साथ इस बच्चे को बचाने में जुटा हुआ है। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।